दोस्तों क्या हुआ जब नागिन के सामने मारा उसके नाग को, फिर जो हुआ उसे देखकर होश उड़ गए। दरअसल यह बात 20 साल पुरानी है। दिल्ली के रेवाड़ी गांव में रहने वाले प्रतीक जी के साथ यह घटना घटी। रेवाड़ी गांव उस समय जंगलों से घिरा हुआ था। तभी अक्सर घरों में नाग नागिन चले आते थे। एक दिन प्रतीक जी के घर में भी इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा घर में घुस आया। तभी प्रतीक जी को यह मालूम नहीं था कि उनके घर में भी इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा है। दो दिन बाद प्रतीक जी को अपने घर के दरवाजे पर नाग बैठा हुआ दिखा। नाग हिलने की कोशिश करता, तभी प्रतीक जी ने अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लेकर नाग की जान ले ली। खून को देख नागिन बहुत निराश हो गई। अब नागिन ने भी ठान लिया कि अब इस घर की बर्बादी निश्चित है। नागिन झाड़ियों में छुप गई। मौका पाते ही जब प्रतीक जी झाड़ियों में पौधे को पानी दे रहे थे, तभी उनके हाथ में नागिन ने काट लिया, जिससे प्रतीक जी की मौत हो गई और नागिन ने भी अपना बदला ले लिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।